हाउ आर यू? आई एम गुड, ईद मुबारक ब्रदर। प्रॉपर जो मतलब यहाँ के जो रियल अमेरिकन है ना भाई, वो लोग भाई आपको यहाँ पर मुसलमान देखने के लिए मिलेंगे माशाल्लाह। तो आप लोग क्या स्टूडेंट हो यहाँ पर? आपका ताल्लुक कहाँ से है? ये जो जगह है ना भाई, नॉर्मल जगह पे मस्जिद नहीं बनी है ये। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। और इन लोगों के ड्रेस देखो, इनके कपड़े देखकर मुझे भाई साहब यहाँ फ्लैग लेकर खड़े हो गए भाई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग भाई? आज ईद का दिन है और मैं एक्चुअली जा रहा हूँ ईद की नमाज पढ़ने के लिए। साथ में कनीज भी है, ये मुझे छोड़ने के लिए जा रही है ट्रेन स्टेशन पे। मैंने अपना बैग ले लिया, बैग में भाई मेरे जानेमाज़ है, ट्राइपॉड है, मेरा वॉलेट वगैरह है और कुर्ता पहन के भाई मैं जा रहा हूँ यहाँ से एक घंटे की दूरी पर। लेकिन मैंने सोचा कि लास्ट टाइम जिस मस्जिद में मैंने लास्ट ईद में जो वीडियो बनाया था, मैंने सोचा इस बार ना एक नई जगह पर जाकर आप लोगों को बता दो कि अमेरिका में ईद कैसे हो रही। तो एवरीवन, मेरी अभी तक शुरू नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद विश करती हूँ। यहाँ पे एक मेरे घर से ना 10 मिनट की दूरी पे ट्रेन स्टेशन है। मेरी ट्रेन है एक्चुअली 8:12 की और अभी 7:47 हो रहा है। पहली बार ना मैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए अमेरिका में भाई ट्रेन में जाने वाला और यहाँ से मैं वॉशिंगटन डीसी पहली बार जा रहा हूँ। इतनी करके अगर सुबह सुबह कपड़े मिल जाए ना भाई, दिन बन जाता है। और भाई ये सुबह सुबह उठी मेरे से पहले आधा घंटा पहले ही उठ गई और स्त्री करके दे दी भाई। 60 साल पुरानी मस्जिद है वो जहाँ मैं अभी आप लोगों को लेके जाने वाला हूँ। तो ये वीडियो में बहुत मजा आएगा, आपको एक ऐसा ईद का एक चेहरा दिखेगा ना अमेरिका का, ऐसा चेहरा जो शायद ही आप लोगों ने देखे होगा और सोचे होगा भाई अमेरिका में इस तरीके से भी ईद लोग मनाते रहेंगे, बहुत मजा आएगा। तो फटाफट चलते। और गाड़ी नहीं लेके जाने की सबसे वजह नंबर 1, ये देखो भाई ट्रैफिक देखो। कि एक और वजह है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी जो ट्रेन स्टेशन पे पहुंचा भाई, उसने मुझे पीछे ड्रॉप किए। तो आज ईद के नमाज के साथ साथ में भाई यहाँ का ट्रेन का सफर भी आपको पता चल जाएगा। ये बैग पहन के थोड़ा वियर्ड लग रहा है कुर्ते के साथ में अमेरिका में ऐसे चलते हुए यार। यहाँ से भी टिकट लेते वॉशिंगटन डीसी। उप्स, ये देखो कुछ इस तरीके की टिकट मिलती है भाई। उसने देखे कितने प्यार से बोली कि आपका आज का दिन अच्छा हो, देखकर कितना अच्छा लगा, मतलब सुनकर कितना अच्छा लगा। देख, ये यहाँ का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है भाई, बिकॉज जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है जिस एरिया में मैं रहता हूँ, उस टाउन का रेलवे स्टेशन है। ट्रेन आएगी भाई यहाँ से, गर्मी नहीं लग रही है और ना ही ठंडी है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ठंडी होगी। 35 मिनट में यहाँ से पहुंच जाऊंगा। वही अगर मैं अभी गाड़ी लेके जाता ना, इतनी ट्रैफिक लगती मेरे को 1.5 घंटा लग जाता। नमाज है भाई 10 बजे की, वहाँ पे जाके पार्किंग नहीं मिलती। आ गए भाई अपनी ट्रेन, अब चलते ट्रेन लेकर। तो भाई अभी जस्ट ट्रेन में बैठा और ट्रेन में पूरी जगह मिल चुकी है भाई। सीट वगैरह तो कंफर्टेबल लग रही है मुझे, जबरदस्त सीट है, पब्लिक भी थोड़ी कम है। तो भाई पहुंच गया वॉशिंगटन डीसी रेलवे स्टेशन, कुछ ऐसा दिखता है यहाँ से, देख लो आप लोग। ये ट्रेन थी भाई हमारे ऊपर नीचे दोनों, एक टीसी साहब यहाँ पर खड़े टिकट चेक करते हुए सबकी। और अभी यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर है भाई मस्जिद, मुझे यहाँ से उबर लेना पड़ेगा। और ये जो रेलवे स्टेशन से मैं जा रहा हूँ भाई, यहाँ से ना भाई बड़े बड़े जितने भी स्टेट्स है ना भाई, दूसरे स्टेट्स वहाँ के लिए भी यहाँ से ट्रेनें जाती है भाई। यहाँ पे रेड टैक्सी वगैरह भी चलती है, सोच रहा हूँ टैक्सी लेके ही निकलो। ये रेलवे स्टेशन बाहर आयो, एक तो यहाँ पे कुर्ते में घूमने इतना अजीब लग रहा है ना मुझे। 3 मिनट में मेरी लिफ्ट आ जाएगी। जिस एरिया में मैं हूँ ना भाई, यहाँ पे कोई कुर्ता पहनकर नहीं खड़ा, मैं एक भाई यहाँ पर बंदा हूँ जो कुर्ते में यहाँ पर खड़ा। सब ऑफिस वगैरह जाने वाले दिख रहे हैं भाई, ब्लेजर कोट वगैरह आपको पहनकर दिखेगी सूट बूट में, और मैं यहाँ पे भाई ईद के दिन कुर्ता पहन के भाई वॉशिंगटन डीसी रेलवे स्टेशन पे खड़ा हूँ। भाई आ गई अपनी लिफ्ट, लड़की ड्राइवर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अलग दिन है, अजीब सा लग रहा है। और भाई यहाँ पर लड़की लोग भी उबर चलाते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ लड़के लोग ही चलाते हैं, भाई लड़का लड़की सब काम करते हैं यहाँ पर। यू टू, थैंक यू सो मच। ये भाई मस्जिद, ये देखो क्या खूबसूरत मस्जिद लग रही है भाई। यहाँ पे एंट्री मारते साथ यहाँ पर भी लोग खड़े भाई पैसा मांगने के लिए जाते आते, क्या खूबसूरत लग रही है भाई, माशाल्लाह क्या बात है। पूरा मस्जिद का टूर दूंगा, पहले अंदर जाके बता तो मस्जिद है कैसी। और अभी ऑलमोस्ट 30 मिनट बाकी, आधा घंटा बाकी है नमाज शुरू होने के लिए। मैं 9:30 बजे यहाँ पर पहुंच गया। अभी अंदर जाकर तो और मजा आएगा, धीरे धीरे लोग आना शुरू हो रहे। यहाँ का जो क्राउड है ना वो इतना अलग क्राउड है ना, अब तक जो मैं गया था ना मस्जिदों में, वहां से यहाँ का क्राउड एकदम अलग है। और वो नमाज के बाद आपको पता चलेगा जब और लोग आ जाएंगे। मैं ना अंदर जाके पहले बैठ जाता हूँ, वरना बाद में जगह नहीं मिलेगी भाई। ये देखो लोग आना शुरू हो रहे, क्या बात है। माशाल्लाह क्या बात है भाई। चलो भाई नमाज का टाइम हो गया है अभी। ईद मुबारक,
ईद मुबारक, ईद मुबारक यार। माशाल्लाह ईद की नमाज हो गई, बड़ा मजा आया यार। आई एम गुड, ईद मुबारक ब्रदर, ईद मुबारक, ईद मुबारक। हाउ आर यू? गुड गुड गुड, हाउ आर यू? ओह थैंक यू, आई गॉट इट ऑनलाइन, यू कैन जस्ट सर्च स्विच पॉड। भाई यह बंदा फोटो वोटो ले रहा है यहाँ पे, सारे लोग खड़े रहकर भाई ईद मुबारक, ईद मुबारक भाई। तो ये देखो यार माशाल्लाह वाशिंगटन डीसी में, यहाँ अमेरिका में यार, क्या खूबसूरत तरीके से ईद मनाया जा रहा है। ईद मुबारक, वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, ईद मुबारक। मौलाना साहब थे भाई, उनसे भी लोग मुलाकात कर रहे हैं, ईद मुबारक कर रहे हैं यहाँ पर, और लोग जगह जगह से यहाँ पे हर कंट्री के लोग यार साथ में आकर एक साथ नमाज वगैरह पढ़ रहे। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका ताल्लुक कहाँ से है? इंडिया। मैं भी इंडिया का। कहाँ से आप? इंडिया, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से क्या? अरे माशाल्लाह, मुंबई से। मुंबई से जी जी जी, अच्छा लगा आपसे मिलकर। ईद मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक जी। क्या नाम है आपका? शारिक शर्वानी। शारिक शर्वानी, मेरा नाम रियान है। नाइस टू मीट यू एज़ वेल। जी जी, यूट्यूब। वालेकुम अस्सलाम। देखो यार लोग कितने प्यार मोहब्बत से लोग मिलते हैं यार, और कितने उन्होंने प्यार से मिला, पूछा कहाँ से, मैंने बताया यहाँ से करवाया। तो भाई ये है भाई हमारा इस्लाम, इस तरीके से लोग यहाँ पे एक दूसरे को ट्रीट करते हैं और इतने अच्छे से यार सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पर ईद। यार वाकई बता रहा हूँ, दिल खुश हो गया यहाँ पे लोगों को आपस में एक साथ देखकर, और ईद की जो सच्ची फीलिंग है ना भाई, वो मजा आ गया। अब मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर मौलाना साहब के साथ मेरी पिक्चर लिया जा रहा है। ये थे भाई यहाँ के मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम, मुबारक, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रन शुक्रन। माशाल्लाह ये मस्जिद इतनी खूबसूरत है ना यार, ये कम से कम 60-70 साल पुरानी मस्जिद है, बहुत खूबसूरत बनाई गई है भाई, बहुत खूबसूरत। ये झूमर देखो भाई, उस जमाने से मतलब अभी तक क्या मेंटेन करके रखे यार इन लोगों ने, क्या खूबसूरत लग रही है यार मस्जिद। कौन बोलेगा भाई अमेरिका ईद की नमाज पढ़ के निकल रहा हूँ, कितने अच्छे से लोग यार सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर जाके। और बता दो, बाहर का माहौल तो और जबरदस्त है। तो भाई बाहर कुछ इस तरीके का माहौल है, माशाल्लाह कितने सारे लोग आते, वो जहां नजर घुमाऊंगा ना भाई, वो बोलता हूँ 1000 के ऊपर पब्लिक आई हुई यहाँ पे, इतनी सारे लोग भाई एक साथ नमाज पढ़ के ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं भाई यहाँ पे अमेरिका में, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। और यहाँ पर है ना भाई, दुनिया की हर कंट्री से भाई जो भी अमेरिका में रहते हैं ना भाई, यहाँ के मुसलमान हर कोई आपको यहाँ पर दिखेगा, उनका पहनावा देखकर मुझे लग ही नहीं रहा है कि भाई मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ, देखकर यही महसूस हो रहा है कि भाई मैं कोई सऊदी वगैरह आ गया हूँ। अगर आप लोग कभी उमरा वगैरह करने गए हो तो आपको पता होगा कि भाई वहाँ पे हर कंट्री के लोग आते हैं एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल वैसा ही कुछ भाई यहाँ पर माहौल है। ये देखो यार बहुत प्यारा लग रहा है, ये देखो लोगों के चेहरे पे खुशी देखो भाई, लोगों के चेहरे पे खुशी देखो ईद की, देखो फैमिली फैमिली यहाँ पर आई हुई है भाई और यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्या बात है यार। ये देखो और माशाल्लाह मस्जिद जो खूबसूरत जो बनाई गई है ना, कितना अच्छी, कितनी जबरदस्त, कितनी बड़ी मस्जिद बनाई है यार। यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना हर कंट्री के भाई यहाँ पर फ्लैग लगे हुए, तो लोग क्या कर रहे हैं अपनी अपनी कंट्री के सामने जाकर है ना भाई फोटो खिंचा रहे। तो ये देखो भाई, मैं ढूंढता हूँ इंडिया का फ्लैग, इंडिया का क्या, ये देखो काफी सारी कंट्री के, सारी कंट्रीज के यहाँ पे आपको फ्लैग देखने के लिए मिलेंगे। ये देखे भाई लोग यहाँ पर खड़े रहकर, लगते हैं इंडिया को उस तरफ रहकर वहां पर चलकर देखते, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग एक साथ यहाँ पर आकर यार ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं यार, क्या बात है। लोग अपने अपनी फैमिली के साथ में भाई खड़े रहकर फोटो खिंचा रहे, और मैं भी किसी को बोलता भाई मेरा कोई एक फोटो खींच लो यहाँ पर खड़े रह के यार। पर अभी आप लोग बोलेंगे कैफ आया क्यों नहीं भाई, कैफ को मैं एक्चुअली इतना देर उतना दूर ट्रेन में लेके नहीं आना चाहता था, वो आसपास की जो मस्जिद है वहीं पर पड़ लेगा गाड़ी लेकर जाकर। मैं यहाँ पर इसलिए आया ताकि मैं आप लोगों को एक अमेरिका की इस मस्जिद का साइड दिखाऊं भाई, बिकॉज लास्ट टाइम है ना मैं गया था एक टर्किश मस्जिद में, वो वीडियो नहीं देखे तो जरूर जाकर देखना, रमजान में ही मैंने काफी सारी वीडियो बनाया था। तो फिर मैंने सोचा इस बार अगर आया हूँ यहाँ पर तो मैंने सोचा कि यार एक नई साइड दिखाऊं अमेरिका की, जो अमेरिका का जो कैपिटल है वाशिंगटन डीसी, वहां पर ईद कैसे सेलिब्रेट करते, मैंने सोचा कि आपको एक बार वो दिखा दूं। और ये देखो भाई पीछे लोग खड़े रहकर यहां पर भी भाई गरीब लोग आकर मांग रहे, तो लोग उनको पैसे दे भी रहे, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहे। अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग एक साथ जमा होकर यार यहां पर ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देखो भाई क्या प्यारा लग रहा है यार, कितना खूबसूरत, क्या जबरदस्त लग रहा है भाई, अलग अलग कंट्री के लोग आए हुए। ये देखे ईद मुबारक टू यू एज़ वेल। ये मस्जिद का मेन एरिया है, अगर आप लोग वाशिंगटन डीसी आओगे ना भाई तो मैसाचुसेट्स एवेन्यू पे ये मस्जिद में ना भाई एक बार जरूर आना, आपका दिल खुश हो जाएगा करे। और जुमा की नमाज के लिए भी अगर आप लोग यहाँ पर आओगे ना, आपको काफी तादाद में लोग आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। मेरे को खुशी ये हो रही है कि मैं आप लोगों से ना ये सारी चीजें शेयर कर पा रहा हूँ, एंड आई एम श्योर अमेरिका के भी कुछ सिटीज है, कुछ स्टेट्स है जहाँ से लोग भाई मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो ये उनके लिए भी एक नया रहेगा जो मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ भाई यहाँ पर खड़े होकर। और वहां पर
फ्लैट के पास, तो भाई लोग फ्लैट का पीछा ही नहीं छोड़ा। मैं भी खड़े रहकर एक जबरदस्त फोटो ले लूं, तो भाई मैंने भी कुछ खड़े रहकर यहाँ पर पिक्चर्स वगैरह लिया। फ्लैग देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और एक चीज पता है क्या, यहाँ पर ना लोगों को ना एक्चुअली नमाज के बाद ही मौलाना ने ना बताया क्या किया, बताया इनको बताया कि भाई इस्लाम है क्या। उन्होंने एक बयान दिए, उन्होंने बताया लोगों के भाई के रमजान क्यों हम लोग मनाते हैं, ईद क्यों मनाते हैं। तो इस तरीके से भाई लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया इस्लाम के बारे में कि भाई क्या होता है, हम लोग क्यों फॉलो करते हैं। यहाँ के अमेरिकन जो लोग है ना, उनमें से देखो लोग फॉलो तो करते आते लेकिन काफी सारे लोगों को बहुत कुछ पता भी नहीं है। यहाँ पे हमारे कुछ भाई लोग भी है। कहाँ से आप लोग, कहाँ से भाई लोग? वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से भाई? इंडिया से। इंडिया से, क्या माशाल्लाह, क्या बात है यार। मैं मुंबई से हूँ, इंडिया मुंबई से। क्या नाम है आप लोगों का? अरे बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहीं पर रहते हैं, आप लोग आसपास यहीं रहते हैं? घर की याद आ रही है यहाँ पर आकर? घर की कहाँ याद नहीं आती, बात घर की याद नहीं आ रही, खाने की याद आ रही। अच्छा ये भाई साहब है एक्चुअली भाई हैदराबाद से, तो हैदराबादी वो भाई खाना, उनको खाना नहीं मिलेगा तो उनकी ईद ईद मुकम्मल नहीं है। बिरयानी भाई, तो आज शीर कुरमा का कहाँ प्लान है फिर आज? घर पे है क्या? माशाल्लाह, तो आप लोग क्या स्टूडेंट हो यहाँ पर? अरे माशाल्लाह, क्या बात है। देखो यार, मतलब वाशिंगटन डीसी में यहाँ खड़े रहकर भाई वीडियो बना रहा हूँ, और हमारे हैदराबाद के भाई लोग यहाँ पर मिल गए, मतलब जाकर इनसे ईद मुबारक तो कर लो। मैंने ईद मुबारक ही नहीं किया भाई, ईद मुबारक करना भूल गया यार। ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। नहीं यार, अपने भाई लोगों से ईद मुबारक करने का अलग ही मजा है भाई, ऐसे पराए देश में। अच्छा लगा भाई आप लोगों से मिलकर, इंजॉय करे। वालेकुम सलाम, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज। तो भाई ये देखो, तो ऐसा कुछ माहौल है भाई। मैं आया तो हूँ अकेले यहाँ पर, लेकिन अपने इंडिया के भाई हैदराबाद के भाई लोग मिल गए, अपने ऐसा कोई तो मिला भाई। बिकॉज यार मोस्टली अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए ना, ऐसा घर की याद आती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है भाई, घर की याद आती है। लेकिन अगर घर की याद आती है ना आपको ऐसी कंट्री में, तो फिर ऐसी जगह होती है भाई, मस्जिद ही होती है, जहाँ पर आकर ना भाई आपको ऐसा महसूस होता है कि भाई कुछ तो है अपने लिए, कुछ तो सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर रखा है। वो जो एक फील है ना भाई, एक अच्छी भी फील है, घर की याद भी आती है। अच्छा डिसीजन लिया कि भाई मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर आकर वीडियो बनाया। एंड आप लोग बताना, आप लोगों को कैसा लगा, ये जगह कैसी लगी, यहाँ का क्राउड देखो, ये क्राउड है ना पूरा अलग है। मैंने अब तक के जितनी वीडियोस बनाया ना, वहां से ये क्राउड पूरी तरीके से अलग है भाई। प्रॉपर जो मतलब यहाँ के जो रियल अमेरिकन है ना भाई, वो लोग भाई आपको यहाँ पर मुसलमान देखने के लिए मिलेंगे। आई एम श्योर आप लोगों को भी एक नया एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, एक भाई अमेरिका में किस तरीके से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ईद को। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ से, ये तो लाइन से जो फ्लैग लगे हुए ना, ये क्यों लगे पता है? क्योंकि भाई वाशिंगटन डीसी है कैपिटल, जैसा मैंने बताया। यहाँ पर ना लाइन से एम्बेसीज है, हर एक कंट्री की भाई आपको ना आसपास एम्बेसीज दिखेगी। ये जो जगह है ना भाई, तो नॉर्मल जगह पे मस्जिद नहीं बनी है, ये मस्जिद ऐसी जगह पर बनी है भाई जहाँ पे सारी कंट्री की एम्बेसीज है और भाई ऑफिशियल्स यहाँ पर रहते, तो ये बहुत बड़ी बात है भाई अपने में। और ये मस्जिद इतनी पुरानी मस्जिद है ना भाई, कितना अच्छा, कितनी खूबसूरती से बनाया गया मस्जिद को यार। लोग कैसे लग रहे हैं यहाँ पे आसपास, रौनक कैसी लगी ईद की भाई, ये जरूर आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, तो मुझे बहुत अच्छा लगे। और शायद यहाँ पर ना लगता है कुछ खाने का भी इंतजाम है, मैं देख रहा हूँ लोग यहाँ पे ना प्लेट वगैरह लेकर देखो खा रहे भाई, तो खाने का भी कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया गया यहाँ। और ये देखो पाकिस्तानी भी मुझे यहाँ पर बहुत दिखे, मैं बोलते बोलते थक नहीं रहा, मेरी एक्साइटमेंट में शो करते करते थक नहीं रहा, क्योंकि मुझे इतनी खुशी हो रही है ना भाई, इतनी खुशी हो रही है ना देखकर। व्हाट डू यू गाइस लाइक अबाउट ईद? ईद मुबारक। लोगों से जब तक आप बाहर जाकर खुद से मिलोगे नहीं ना, आप जुड़ नहीं पाओगे। खुद अपना दिल साफ रखो, खुले दिल से भाई अपने ओपन हाथ आओ भाई, ईद मुबारक लग जाओ गले। और यही तो हमें लोगों को दावत देनी, यही तो लोगों को सिखाना है भाई कि खुश रहो, अच्छे अच्छे मैसेज दो भाई दुनिया में और जीते रहो। यहाँ पर देखो भाई लोग, यहाँ भाई साहब यहाँ फ्लैग लेकर खड़े हो गए भाई, क्या बात है। और ये रोड इतना बिजी रोड है ना यार, इतना बिजी रोड है कि यहाँ पर गाड़ियां यहाँ पर रास्ते में रुका नहीं सकते हो। अभी ऑलमोस्ट कितने बज गए, 11:10 हो गए, तो अभी बस मैं घर की तरफ भी निकलूंगा यहाँ से गाड़ी बुक करके। मैं एक्चुअली चाहता था कि ऐसी जगह पर आऊँ, कभी किसी ने देखा नहीं होगा, आज मैं उस जगह पर खड़ा हूँ भाई, ऐसी जगह पर खड़ा हूँ मैं आज। अमेरिका के हर एक जगह की ना भाई अपनी एक चाम है, हर एक जगह की ना भाई अपनी एक क्वालिटी है। मजा कब आता है, नई नई जगह पे नई नए लोगों से मिलने में मजा आता है। कर रहा हूँ देखते कहाँ मिल रहा है भाई खाना, लोग यहाँ पे खाना वगैरह ले रहे। ये देखो सब अपने अपने प्लेट लिए हुए भाई, ईद के दिन खाना भी मिलता है। ये देखो यहाँ पर देखो जो लगता है बिरयानी मिल रही है भाई, ये देखो। हेलो भाई साहब, मिल गई आपको बिरयानी? मिल गई भाई को बिरयानी? भाई कितना, एक प्लेट दो प्लेट? एक में बस हो जाएगा, चलो अच्छा फुल गोश में। ईद के दिन भाई मस्जिद में भाई बिरयानी का भी इंतजाम, मतलब ईद होते साथ, ईद की नमाज पढ़ते साथ भाई आप लोग यहाँ पर बिरयानी वगैरह भी बट रही है। और इन लोगों के ड्रेस देखो, इनके कपड़े देखकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है भाई। ये देखो अपने कल्चर के लोग यहाँ पे दिल खोल कर भाई जी रहे, तो मोस्टली अफ्रीकन कंट्री से में भाई उनके कपड़े इतने अलग थे ना कि मतलब देखकर अच्छा लगता है। और ये है भाई मस्जिद का गेट, मतलब बाहर जाके आप लोगों को बताते हैं, यहाँ पर लोग बैठे हुए भाई पैसा मांगते हुए। आप लोगों के लिए ये सब देखना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, जरूर आप लोग बताना भाई। तो भाई अभी तो ईद बस शुरू हुई है, बस मैं भी घर की तरफ निकलूंगा, मुझे घर पे जाकर दो तीन काम भी करना है भाई, घर
वालों को भी मिलना है, घर पर फोन लगाना है। सिर्फ यहाँ पर ईद खत्म नहीं हुई है, ये तो नमाज तो भाई शुरू हुई है, यहाँ से तो ईद का भाई असली मजा शुरू हुआ है। तो भाई बस अब यहाँ से निकलते हैं, और ये एक ऐसी सिटी है ना भाई, यहाँ पर इतने सारे होमलेस रहते हैं ना भाई। अभी देखो धीरे धीरे होमलेस लोग भी ना भाई यहाँ पर मस्जिद के अंदर आना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उनको भी एक उम्मीद लग रही है भाई कि कुछ पैसा वैसा मिलेगा। और यहाँ पर गेट पर भी आप लोग जैसा देख सकते हैं ना भाई, यहाँ पर होमलेस लोग खड़े रहे ना पैसे वैसे भी मांग रहे। शहर में भाई बहुत सारे होमलेस रहते हैं भाई। उबर जो बुक किया ना मैंने, उसमें आई कौन सी गाड़ी, अब आ रही है मुझे तुम्हारे भाई को ईद में लेने के लिए टेस्ला। खैर यहाँ पे टेस्ला तो बहुत कॉमन है, लेकिन ये मैं आप लोगों को बताने के लिए बता रहा हूँ कि भाई देखो यहाँ पर उबर में भी भाई टेस्ला चलती है। चलो भाई वो जो लिफ्ट थी मेरी टेस्ला वाली, वो भाई कैंसिल भी हो गई, किसी ने कैंसिल कर दिया। अब लगता है ये रोड पे ना बहुत ट्रैफिक रहती है, इसलिए वो बंदी ने कैंसिल ही कर दी। अब एनीवे जो होता है अच्छे के लिए होता है भाई, मेरे को तो ऐसा नहीं था कि उसमें ही जाना है, जो मिलता है भाई हम लोग उसमें ही खुश रहते। तो भी आए अपनी दूसरी वाली उबर, चलते फिर यहाँ से। तो भाई मैं ना रेलवे स्टेशन से ये भी ले सकता था, लेकिन मैं बोला भाई कुर्ते में अगर इसके ऊपर खड़े होकर आऊंगा तो कैसा अजीब लगेगा। अजीब छोड़ो, इतनी ट्रैफिक रहती है, मैं गिर विर नहीं जाऊँ कहीं। ऐसे तो मैंने बहुत चलाया, लेकिन मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था, क्योंकि जब भी मैं यहाँ घूमने के लिए आता हूँ ना, मेरा खुद का भी जो स्केटबोर्ड है ना, मैं वो चलाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आप लोगों को मेरा स्केटबोर्ड भी बताऊंगा। तो भाई वो बंदा मुझे पकड़ के बोल रहा है कि भाई आपको कोई यहाँ पे स्वीट शॉप पता है क्या, जैसे गुलाब जामुन वगैरह। मैं लगता है उसको ईद के लिए मिठाई वगैरह लेने की सोच रहा था वो बेचारा। नहीं मैं बोला भाई मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, मैं खुद यहाँ पे पहली बार आया हूँ। आ गए भाई अपनी उबर। गुड गुड हाउ आर यू टुडे। क्या ब्यूटीफुल ड्राइव यार, रास्ते में बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन पे पहुंच गया हूँ, अभी मेरी ट्रेन है यहाँ से कुछ 12:15 पे, अभी बज रहे भाई 11:45। भाई कौन बोलेगा ये ट्रेन स्टेशन है। ये देखो, देखकर वो पूरी एयरपोर्ट वाली फील आ रही है नहीं आ रही है। अभी मैं ना कुछ खाने के लिए भी लूंगा, मुझे ना भूख भी बहुत ज्यादा लगी है। उबर का ना मेरा दोनों साइड का $20 हुआ। मैं सोचा आपको ये भी बता देगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा भाई उबर वगैरह कितना पैसा यहाँ पर लगता है। यार मुझे भूख इतनी लग रही है, सोच रहा हूँ मैकडोनल्ड से कुछ खाने के लिए ले लूँ यार। बहुत भाग भाग के आया भाई, ऑलमोस्ट ट्रेन मिस हो गई थी। सैंडविच और ये भी ले लिया भाई। चल भाई आ गया अपना स्टेशन। और ये भाई साहब यहाँ के टीसी है और टिकट वगैरह चेक करते हैं पीछे। मैं वही कंफ्यूज हो गया भाई, मैं कहाँ उतर गया। मेरे को यहाँ से क्रॉस करके जाना है, यहाँ से मेरे को उस तरफ जाना है एक क्रॉस करके, और कोई इसे जाते हुए दिख तो नहीं रहा भाई यहाँ से। अनीस उस तरफ है, ट्रेन ने मुझे उस तरफ छोड़ी। और यहाँ पे तो साइकिल के ऐसे रैक वगैरह बनी, आप अपनी साइकिल यहाँ पर छोड़ सकते हो। वो उधर इंतजार करते खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। खुदा हाफिज। बड़ी नमाजें पढ़ के आ गए माशाल्लाह। ईद मुबारक। आपका इतना चमक धमक के निकले हो। घर में भटक रही हूँ अकेले अकेले आपके इंतजार में। घर में तैयार होके घूम रही हूँ। क्यों घर में तैयार होके क्यों घूम रहे हो? थैंक यू जी। गाड़ी लेकर नहीं गया ना? बहुत अच्छा डिसीजन लिया मैंने। मुझे पता था वो डीसी इज लाइक क्रेजी। जो मजा आया ना वहाँ पे मस्जिद में, दिल खुश हो गया यार, सच में बता रहा हूँ। इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर मस्जिद? टर्किश मॉस्क से पूरा अलग था, लेकिन क्राउड पूरा अलग था। और भाई हम दोनों की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक। मैंने अब तक पूरे वीडियो में ईद मुबारक नहीं बोला, मैं इसका इंतजार कर रहा था। कल एक्चुअली शाम में ना, मैं रात में 10:30 आया। कल मैं गया था भाई आज के शीरकुरमे के, शीरकुरमा बनाने के लिए मैं गया था, दूध लाने के लिए, असली गाय का दूध। तो वो वीडियो ना आपको इसके बाद देखने के लिए मिलेगी, मिस मत करना। एक ऐसे गांव में गए थे ना हम लोग, आप लोग देखकर ना पागल हो जाओगे, भाई ये अमेरिका है, क्या देख रहे हम लोग। बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था यार। तो वो वीडियो मैं एक्चुअली कल ही डालने वाला था, लेकिन मैं बोला पहले ईद का वीडियो डालता हूँ, उसके बाद मैं वाला डालूंगा, तो वो वीडियो मिस नहीं करना भाई। मैं बहुत थक गया हूँ रात में ना, एक्चुअली मुझे नींद भी नहीं मिली है, तो थकान भी हो रही है। अब जाके शेरखुरमा पियेंगे तो थकान दूर होगी। वजह से तो मैं जाग रही हूँ, आप कपड़े आयन करते हुए, चाय बनाते हुए, शेरखुरमा बनाते हुए, और अभी बिरयानी बनाऊंगी। तो भाई आप लोग बताओ, ईद में अगर बिरयानी नहीं खाया तो ईद होगी क्या? ऑफ कोर्स ना। आप लोग बताओ। मैं खुद रुकी हूँ खाने के लिए। तो भाई मैं घर आया, घर आने के बाद है ना सो गया था भाई, खाना वगैरह खाया मैंने, शेरखुरमा पिया और भाई सो गया दबा के, बिकॉज रात से इतनी ज्यादा थकान थी। और फिर अभी थोड़ी देर पहले उठाऊ, चाय पिया, वीडियो एडिट करते बैठा था, अभी ये वीडियो अपलोड भी करने का टाइम आ गया। तो आई होप आप लोग ये वीडियो देखोगे, आप लोगों को पसंद आएगी। आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको अमेरिका के बारे में। आने वाले जो ब्लॉग है ना भाई, वो और इंटरेस्टिंग रहेंगे, वो एक भी ब्लॉग मिस मत करना। अगर आप पहली बार आए चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत जल्दी मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। थैंक यू यारों।